हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें प्लीज़। आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ने वाले इंटरपोलेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इंटरपोलेशन इज़ द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो आपको यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ है, जिसमें से एक्स अपने क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई अपने क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपको मान लो एक्स वैल्यू दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब एक्स के वैल्यू के लिए आपको वाई की वैल्यू कुछ दी होंगी। मान लो यहाँ पे मतलब यहाँ पे 2, 4, 9, 13, 17, 21 कुछ भी ऐसा आपको दिया। मान लो रैंडमली मैं वैल्यू यहाँ पे पुट किया हूँ। ओके, अब ये क्या है, देखो ये अपना 0 से लेके 5 तक का जो है ना, ये अपना क्या है एक्स की लिमिट है। मान लो ये अपना क्या है एक्स का रेंज है। अब इसी रेंज के अंदर में कोई भी वैल्यू पे अगर वाई की वैल्यू पूछेगा, जैसे मान लो पूछा आपको 2.2 पे वाई की वैल्यू क्या होगी। ओके, ये आपको एक्स की वैल्यू क्या है 2.2 है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी आपको अगर पूछेगा। तो देखो ये अपना क्या है 2.2, 0 से 5 के रेंज में आ रहा है कि नहीं। यस, तो जब भी रेंज के अंदर में आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो वाई को अपन निकालेंगे उस टेक्निक को हम बोलेंगे इंटरपोलेशन। और मान लीजिए कोई अगर ऐसे वैल्यू आता है जो कि उस रेंज में नहीं है, उस रेंज के बाहर कुछ है, तो उस केस में बोलते हैं उसको एक्सट्रापोलेशन, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सट्रापोलेशन। ओके, तो इंटरपोलेशन क्या होता है, एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इसमें जो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो पहले अपन देख लेते हैं कि न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे जो वाई पी हम निकालेंगे यहाँ पे वो क्या होगा, वाई नॉट प्लस पी टाइम्स डेल वाई नॉट। डेल वाई नॉट मतलब होता है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, फिर पी इंटू पी माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल टू, यहाँ पे आपका आएगा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, फिर पी इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू अपॉन में फैक्टोरियल थ्री, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट प्लस डॉट 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 अप टू कहाँ तक बताओ, पी इंटू पी माइनस वन डॉट डॉट टू पी माइनस एन माइनस वन अपॉन में नीचे अपना क्या आएगा फैक्टोरियल एन, और यहाँ पे अपना आएगा nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट। ओके, अब यहाँ पे पी अपना क्या होगा, वेयर यहाँ पे लिख सकते हो आप वेयर पी इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन में एच। एच अपना क्या है इंटरवल का साइज रहेगा। ओके, जो गैप रहेगा ओके उसका साइज जो रहेगा वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, और एक्स वो वैल्यू होंगी जहाँ पे मुझे वैल्यू निकालना है वाई का। ठीक है, ये एक्स वो वैल्यू है जहाँ पे अपन किसी का वैल्यू निकालने वाले हैं, वाई का वैल्यू निकालने वाले हैं, और ये एक्स नॉट क्या होगा कोई एक इनिशियल वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी निकलेगा वो अपना क्या होगा एक रियल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो पी इज एनी रियल नंबर। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे जो बात समझने की वो ये है कि देखो आप न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो क्या है वाई नॉट है, यहाँ पे पावर डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, यहाँ पे सेकंड पावर डिफरेंस ऑफ वाई नॉट है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हो इट कंटेन्स वाई नॉट एंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ वाई नॉट। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y नॉट और फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ y नॉट ही यहाँ पर है। ठीक है, उसी तरह से हम जब देखेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो वाई पी का जो फॉर्मूला बनेगा वाई पी इक्वल्स टू अपना बनेगा पे वाई एन प्लस पी इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन, वहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस होगा, अपॉन फैक्टोरियल टू सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन सॉरी इंटू सॉरी प्लस पी इंटू पी प्लस वन पी प्लस टू अपॉन में फैक्टोरियल थ्री, यहाँ पे आपका आएगा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस सॉरी थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, इस स्टेप से जो अपन क्या करेंगे
वाई पी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर पी क्या होगा अपना एक्स माइनस एक्स एन अपॉन में एच। ओके एच अपना वही इंटरवल का साइज है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में, तो यहाँ पे वाई एन है, यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन है, यहाँ पे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट कंटेन्स, इट मतलब न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला। ओके न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कंटेन्स कंटेन्स वाई एन एंड द बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑफ वाई एन। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे की वीडियो में जो है हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।